हेलो फ्रेंड, मजर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा बाजू का डिजाइन लेकर आए हैं। तो इस डिजाइन को सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम कूट का इस्तेमाल करेंगे। हमने कूट को ले लिया है और कूट की जो हमने लंबाई रखा है, हमारा जितना बाजू है हमने उतना ही रखा है। और हमने जो चौड़ाई रखा है फ्रेंड, यहाँ पे कूट की वो 2.25 इंची पक्का रखा है। तो आप इस तरह से 2.25 इंची का बिल्कुल एकदम सीधा कटिंग करके आप कूट ले लेंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि सलवार का कपड़ा का हम डोरी बनाएंगे। तो हमने डोरी सलवार का कपड़ा का पहले ही बना लिया है। यदि आपको अगर डोरी बनाना नहीं आता है फ्रेंड, तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आई बटन में दे देंगे, आप वहां से डोरी बनाना सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि डोरी को हम 3-3 इंची पे कट कर लेंगे। तो हमने 3-3 इंची पे पूरे डोरी को कटिंग कर लिया है। अब हम डोरी को रख देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि इस कूट में सबसे पहले मुझे निशान लगानी है। तो निशान जो हम लगाएंगे फ्रेंड, ऊपर से इस तरह से इंच टेप को आप रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद आप 1-1 इंची पे पूरे में निशान लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी 1-1 इंची पे पूरे में निशान लगा लेंगे। तो हमने दूसरी साइड भी 1-1 इंची पे पूरे में निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि इस पैच पे हम डोरी को बैठाएंगे। तो हमने डोरी को ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि यहाँ पे इस तरह से हम डोरी को रखेंगे बिल्कुल, और इस तरह से रखने के बाद डोरी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और हमने जो 1-1 इंची पे निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पे डोरी को इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम यहां से सिलाई लगाएंगे बिल्कुल, इसको हम अटैच करेंगे। इस तरह से लगाने के बाद अब हम दूसरी डोरी को लेंगे। दूसरी डोरी जब हम लेंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल इस तरह से एकदम सटाकर रखेंगे बिल्कुल। और इस तरह से सटाकर रखने के बाद हमने जो 1-1 इंची पे निशान लगाया था, बिल्कुल इसी निशान पे इस तरह से हम डोरी को रखेंगे, और इसी तरह से लगाते हुए हम पूरे पैच में डोरी को चले आएंगे। एक साइड में पूरे में डोरी को लगा दिया है, और ऊपर से हमने 1/2 इंची छोड़ दिया है, जो कि जब हम बाजू चढ़ाएंगे तो उसके लिए दबाव है। तो दूसरी साइड जब हम डोरी को लगाएंगे, तो बिल्कुल इस तरह से इसके अंदर हम डोरी को डालेंगे, और इस तरह से डालने के बाद जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया था, बिल्कुल उसी निशान पे इस तरह से डोरी को रखेंगे, और दूसरी कोन को हम इस तरह से पकड़ेंगे, और हमने जो 1-1 इंच पे निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पे इस तरह से रखेंगे बिल्कुल। तो हमारा इस तरह से सिकड़ी बन जाएगा। इसी तरह से हम डोरी को लगाते हुए दूसरी साइड पूरे में चले आएंगे। हमने दूसरी साइड भी डोरी को बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगा दिया है, और हमारा पैच बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम बाजू को लेंगे। तो फ्रेंड, हमने बाजू को ले लिया है, और हमने बिल्कुल एक सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है, आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से। तो इस तरह से बाजू को फोल्ड कर देंगे, और फिर एक चीज का ध्यान देंगे फ्रेंड, कि जब आप बाजू कटिंग करेंगे तो इसमें आप 1/2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, जो कि जब हम पैच में लगाएंगे तो उसके लिए दबाव होगा। तो हमने सेंटर क्रीच आयरन से अच्छे तरीके से बना लिया है, और ये हमारा दबाव है मार्का, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि सेंटर से बाजू को हम बिल्कुल 2 भाग में बांट देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड, कि एक पल्ले को हम रख देंगे। एक पल्ले रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है, कि अब हम पैच को लेंगे। तो हमने पैच को ले लिया है। पैच को लेने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे फ्रेंड, कि बाजू को इस तरह से आप उल्टा करेंगे,
और उल्टा करने के बाद हमारा जितना दबाव है हम इतना इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप अच्छे तरीका से नाखून लगा लेंगे या फिर आप अच्छे तरीका से प्रेस लगा लेंगे। क्या करेंगे कि बाजू को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे, इस तरह से सीधा करने के बाद पैच को इस तरह से रखेंगे और बाजू को बिल्कुल इस तरह से हम रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि लप्पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पैच को बाजू में हम बैठा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी बाजू का एक पल्ला पैच में हम अटैच कर लेंगे। तो हमने दूसरे पल्ले को भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठा लिया है और हमारा पैच बाजू में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ से अब हम लैस को लगाएंगे। तो लैस हमने ले लिया है फ्रेंड, लैस को बिल्कुल आप इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड कि सीधे एक सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम लैस को लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लैस को लगा देंगे। तो हमने दूसरी साइड भी लैस को लगा लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, अब हम नीचे में मुझे पट्टी लगानी है। तो पट्टी लगाने के लिए हमने सलवार का कपड़ा लिया है और ये बिल्कुल खड़ा है, और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है फ्रेंड वो पक्का 1 इंची रखा है, और इसकी लंबाई हमने ले लिया है जितना हमारा मोहरी है। तो सबसे पहले बाजू को इस तरह से हम उल्टा कर देंगे, और इस तरह से उल्टा करने के बाद पट्टी को आप इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड एक चाप का सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। पट्टी को इस तरह से पलटेंगे और अच्छे तरीके से आप पूरे में नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद इस तरह से बाजू को पलटेंगे, और बाजू को पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह से आप फोल्ड करेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि लप्पे सिलाई लगाते हुए पट्टी को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बैठा लेंगे। तो फ्रेंड हमने पट्टी को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगा लिया है और हमारा बाजू भी बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम कूट को कबाड़ कर बाजू की फिनिशिंग हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमने कूट को निकाल दिया है, इससे बाजू की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरे वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।